नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाली है। इसमें हम दुर्गा जी के नौ रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि क्या महत्व है नवरात्रि का, खास करके चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है और किस तरह से पूजा करते हैं, चलिए जानते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपने बहुत बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है और मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे सनातन धर्म की नई साल है। नई साल लगते ही हमारे चैत्र नवरात्रि आते हैं। इनकी पूजा करना बड़ा परिवार के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। इनकी पूजा करनी चाहिए और नौ दिन पाठ करने चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, अखंड ज्योत जलानी चाहिए और किसी ब्राह्मण के द्वारा पाठ भी कराना चाहिए। शुभ होता है परिवार के लिए, अच्छा होता है। हमारी ये नई साल है और नई साल की सभी के लिए शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। पंडित जी, जैसे कि नवरात्रि भी हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार की होती हैं, लेकिन महत्व तो दो ही नवरात्रि को आता है, जो साल में दो बार आता है, और ये वाला जो नवरात्रि आने वाला है वो चैत्र का है, तो इसका उसका क्या खास महत्व है, मतलब क्या खास क्या है? ये हमारे सनातन धर्म की नई साल है, नया सम्मत है, नई साल है, नई साल साके है। आज कल बुधवार से, बुधवार 22/3/2023 को हमारे साल संबत सब बदल जाएंगे। अभी हमारे साल संबत सन 2079 बोलते हैं, जब सन 2080 हो जाएगा। साल साके 1944 बोलते हैं, जब साल साके 1945 हो जाएगा। ये हमारी नई साल है, हमारे सनातन धर्म की, पहले हमारे हिंदुस्तान की यही साल है। इसी को हम महत्व देते आए हैं और इसी की हम परंपरागत हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो आप हमको ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है? नवरात्रि दिन बुधवार 22/3/2023 को सुबह प्रातः 7:05 पर कलश स्थापना होगी और उसी दिन से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। शुभ मुहूर्त मतलब 7:05 पे मिनट से मुहूर्त है कलश स्थापना जी। पंडित जी, हमको आप बताएंगे कि कलश स्थापना का क्या महत्व है, आखिर कलश स्थापना क्यों शुरू किए लोगों ने, कि जब नवरात्रि आती है तो लोग कलश, जिसे पाठ भी कहते हैं कि लोग घरों में पाठ बैठाते हैं और कलश स्थापित करते हैं, नारियल होता है, कलश होता है और कलश के नीचे बालू में जौ के जो कुछ बीज रखते हैं वो नौ दिन में बहुत ग्रोथ कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इस कलश स्थापना का क्या महत्व है? कलश स्थापना करते हैं हमारे परिवार की शुभकामनाएं, माताजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलश यात्रा कलश स्थापना करते हैं, उसके नीचे बालू डाल के जौ बहते हैं। जैसे जौ आगे आगे बढ़ते हैं ऐसे ही हमारे परिवार की वृद्धि हो, माता रानी से यह प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो दूसरा सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो पूजा की विधि विधान है, मतलब पूजा का क्या विधि है, किस तरह से पूजा करना चाहिए हम लोगों को नवरात्रि के दिन, खासकर पहले दिन? सुबह उठना चाहिए, सोच निवृत्त से निवृत्त होना चाहिए और माता रानी का ध्यान करना चाहिए और माता रानी की जोत जलानी चाहिए, पाठ पूजा करने चाहिए और हो सके तो व्रत करें। बहुत से लोग तो करते हैं, रोज नौ दिन का व्रत करते हैं और बाजे बाजे लोग करते हैं पहला और नवरात्रा, दोनों ही जिसकी श्रद्धा है दोनों ही अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, माता रानी दोनों को ही फल बराबर देती है, बराबर देती है। अच्छा, बहुत से लोग जैसे नौ दिन का तो रहते हैं लेकिन बहुत से लोग नौ दिन का नहीं रहते हैं, पहला और आखिरी रहते हैं, तो और बहुत से लोग वो भी नहीं रहते हैं लेकिन पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए? वो भी अपनी पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करने में प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठें और माता रानी की जोत जराएं और ध्यान करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें और अपना ध्यान लगाएं माता रानी से कि हम व्रत करने में असमर्थ हैं, कोई बीमारी है, किसी से कैसे भी पीड़ित हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके सामने ऐसी समस्याएं तो कोई दिक्कत नहीं, माता रानी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। माता रानी रक्षा करती हैं सभी की और सभी को शुभकामनाएँ देती हैं। बिल्कुल पंडित जी। अच्छा पंडित जी, क्या हमें नवरात्रि में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट हो जाए? नवरात्रों में विशेषकर ध्यान रखें, अपने ब्रह्मचर्य से पालन करें, किसी को दुख न दे, झूठ का ज़्यादा प्रयोग न करें और हमारे सनातन धर्म में
ये जो वैसी चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों पर बैन लगाए, उन चीज़ों को ना खाए और अपने ब्रह्मचर्य से पालन करे, माता रानी से प्रार्थना करे और अपने नियम धर्म से अपनी माता रानी की पूजा करे, तो माता रानी खुश होंगी और आपको शुभकामनाएं देंगी। बिल्कुल पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप नवरात्रि को लेकर के हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पहला प्रतीक है कि नवरात्रों को पूजा करनी चाहिए और नवरात्रों को मनाना चाहिए और चैत के नवरात्रे शुभ हैं। वैसे तो हमारे साल में चार आते हैं, दो गुप्त नवरात्रे आते हैं और दो हमारे उजागर आते हैं, तो दोनों को हम मानते हैं। दोनों नवरात्रों में माता रानी की पूजा करनी चाहिए, हमारे सनातन धर्म का पहला प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पंडित जी ने बताया किस विधि से पूजा करना चाहिए, क्या महत्व है और किस किस मन से पूजा करिए, स्वच्छ मन से पूजा करिए और घर में साफ सफाई करिए नवरात्रि शुरू करने से पहले, और क्या प्लान बना रहे हैं आप, किस तरह से नवरात्रि की पूजा आप करेंगे, किस तरह से माता का आराधना करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन अंकित के साथ रुचि सिंह।